जो कि एक जगह है राजस्थान में, अलवर के बहुत ही पास है, अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स। और ये मेरे हस्बैंड की बर्थ प्लेस है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत शौक से घूमने आई हूँ। यहाँ पर हम आए हैं एक किले के अंदर। तो अभी हमने देखा डीग महल, जिसको जल महल भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही वेल मेंटेन करके रखा हुआ है उन्होंने। आपको जब भी मौका मिले यहाँ ज़रूर आएँ। और बहुत ही अच्छा रखा हुआ है। और जो महाराजा थे सूरजमल, देवेंद्रमल, उनके बारे में भी आपको हिस्ट्री पता चलेगी यहाँ पर आकर। तो जब भी आपको मौका मिले यहाँ पर ज़रूर आएँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई थिंक। तो बिल्कुल यहाँ पर घूम के मेरे को बिल्कुल जो मुग़लों वाली फीलिंग होती है वही सब आई, जैसे हमने जोधा अकबर या पद्मावत में देखा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम महल थे, सेम उन राजाओं की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और उन्होंने जो भी सामान जीता या शेरों के शिकार करे, हाथी के शिकार करे, उनके पंजे अभी तक रखे हुए थे। और एक बहुत ही फनी चीज़ हुई कि एक बहुत ही बड़ा सिंहासन जैसा मार्बल का एक पड़ा था, तो हमें लगा कि ये भी सोफ़ा होगा। लेकिन देन गाइड ने हमें उसकी हिस्ट्री बताई कि ये सोफ़ा नहीं है। वो भी सोफ़ा समझ के ही उसको ले आए थे दिल्ली से यहाँ पर, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो सोफ़ा नहीं था, रादर देन दैट वो एक बड़ा सा बेड टाइप था मार्बल का, जिसपे जो डेड बॉडीज़ होती थी उस टाइम की उनको नहलाते होते थे। तो वो ही इतने ग्रैंड हैं, इतने ज़्यादा शोई हैं, तो आप देखो कि सोफ़ा तो कितना ही और भी बड़ा होगा। Yeah.